नमस्कार, मैं हूं क्राम सोलंकी। आप देख रहे हैं निमाड़ का दबंग न्यूज। विवाहिता से चार अज्ञात बदमाशों ने किया गैंगरेप, पति से मारपीट कर लूटे 24,000 नकदी। पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। घटना ठिकरी नगर के समीप ग्राम बरू फाटक के समीप स्थित नर्सरी के पीछे 14 जुलाई को दोपहर में चार अज्ञात आरोपियों के द्वारा मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी से मारपीट कर गैंगरेप व लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। ठिकरी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता ने पुलिस को बताया कि घटना 14 जुलाई को दोपहर 2 बजे के आसपास की है। मोटरसाइकिल पर सवार होकर दोनों पति पत्नी अपने रिश्तेदार के यहाँ से गांव मोहदड़ से भोरवाड़ा जुलवाने जा रहे थे। बरू फाटक से अंकित शर्मा की रिपोर्ट। सर, आप बरू फाटक में आए आज, यहाँ पे क्या मामला है सर? ये अभी कल हमारे पास सिकरी थाने में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें शिकायत हुई है कि परसों दोपहर के लगभग, दोपहर शाम के बीच में एक महिला और एक पति यहाँ पे रुके थे, तो उस दौरान कुछ बदमाशों ने उनके कुछ पैसे छुड़ाए हैं और जो है रेप की कंप्लेंट है, तो उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और हम लोग अभी यहाँ विवेचना में आए हैं। सर, कोई जानकारी मिली है कौन व्यक्ति थे ये? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी हम आपको बताएंगे। ठीक सर, थैंक यू। इधर खेतिया में आज समस्त मंडी कर्मचारियों द्वारा सामूहिक अवकाश पर रहे। मॉडल एक्ट के विरोध में मॉडल एक्ट हटाओ मंडी बचाओ को लेकर खेतिया नगर में कृषक व्यापार वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण अध्यादेश 2020 के विरोध में समस्त कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश पर होने से मंडी प्रांगण व कार्यालय बंद रहा। तालाबंदी कर मंडी कर्मचारियों ने विरोध किया। खेतिया से राजू गायकवाड़ की रिपोर्ट। जो है हमारा जो संगठन है संयुक्त मोर्चा संघ भोपाल के आह्वान पर हम लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं, कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य कर 2020 अध्यादेश लाए हैं सरकार द्वारा। क्योंकि हमारे हम लोग जो मंडी वाले तो इससे परेशान और चिंतित हो ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इससे नुकसान होने वाला है किसानों का। क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ मंडियों में क्या व्यवस्था थी, किसान प्रांगण में आता था, प्रतिस्पर्धात्मक उसको नीलाम के द्वारा मूल्य मिलता था, अपना वो जो है वेट करवाता था, वेट जब वो अपनी उपज की कराता था तो मंडी समिति का एक अनुज्ञप्तिधारी तुलाउकी होता था और वो हम लोग उसको सुनिश्चित करते थे कि उसका वजन सही हो, उसके पश्चात हम लोग उनको भुगतान की गारंटी देते थे कि हमारे मंडी